हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गीता और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बनाएंगे राजस्थानी बेसन की चक्की। ये हमारे राजस्थान में बहुत ही पसंद की जाती है और काफी स्वादिष्ट भी होती है। तो शुरू करते हैं चक्की बनाना। तो फ्रेंड, चक्की बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देखते हैं। ये मैंने 250 ग्राम बेसन लिया है, ये बारीक वाला बेसन लिया है मैंने, आप कोई भी बेसन ले सकते हैं इसमें। ये मैंने 250 ग्राम ही चीनी ली है। यदि आपको मीठा खाना कम पसंद हो तो इसको कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर लिया है और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर लिया है कलर के लिए। और ये 250 ग्राम मैंने देसी घी लिया है और ये थोड़े से लिए हमने ड्राई फ्रूट जिसमें बादाम और पिस्ता लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी सबसे पहले हम थोड़ा एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं और उसमें डाल लेते हैं ये बेसन। और इसी में डाल देते हैं हम थोड़ा सा घी, लगभग एक से दो छोटे चम्मच घी डाल लेंगे हम। और इसी में डाल देते हैं थोड़ा सा गर्म पानी, लगभग एक से दो चम्मच के करीब छोटे चम्मच के। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। और इसके हमें दाने बनाने हैं बेसन के, क्योंकि हम दानेदार चक्की बनाएंगे। तो इस तरह से मसल मसल के इस तरह से हम दाने पाड़ लेंगे सारे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम दोनों हाथों के बीच में इस तरह से मसल मसल के इसको अच्छे से इसके दाने पाड़ लेंगे। इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए इस तरह से हमें दाने पाड़ लेंगे इसके। बहुत ही अच्छी बनती है इस तरह से चक्की, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है इसमें। इसी तरह सारा बेसन हम कर लेंगे दानेदार इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, बेसन को हमने अच्छे से मसल के इसको दानेदार कर लिया है। देखिए, ये अच्छे से दानेदार बन गया है बेसन। अभी हम इसको एक बर्तन में छान लेते हैं। उसके लिए हम एक बर्तन ले लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, और इसको थोड़ी सी बड़ी छलनी से छान लेंगे इस टाइप की, जिसके थोड़े से बड़े हो उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके छान लेंगे अच्छे से। जो ये बचता है उसको भी इस तरह से करके छान लेंगे हाथ से इस तरह से। सारा बेसन इसी तरह छान के तैयार कर लेंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स, बेसन को हमने अच्छे से छान लिया है। अब सबसे पहले हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं, फिर बेसन को सेक लेंगे। तो सबसे पहले चाशनी बनाने के लिए फ्रेंड्स, हमें एक बर्तन ले लिया है और उसमें डाल देते हैं हम ये चीनी। और चीनी में हम आधी गिलास पानी डाल देते हैं और चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। अभी हम हाई फ्लेम पे इसको पहले चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट होते हुए हम थोड़ा सा हाई फ्लेम रख सकते हैं, फिर हमें मीडियम स्लो कर देना है। अभी हम चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, साथ ही में इसमें थोड़ा सा हम ऑरेंज फूड कलर डाल देते हैं इसी वक्त। और साथ ही में डाल देते हैं हम इलायची पाउडर। अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए चला लेंगे। तो फ्रेंड, चीनी ये जो हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है, अब मीडियम लो कर देते हैं हम और अच्छे से इसको चाशनी बनने देंगे। लगभग हमें एक तार की चाशनी चाहिए, तो एक तार की चाशनी बनने देंगे। अभी कोई तार चाशनी नहीं बनी है, बस इस तरह से है, अभी कोई तार नहीं बन रहा है। तो इसको और पकाना है हमें थोड़ा, मीडियम आंच पे पका लेंगे हम थोड़ा और इसको। तो फ्रेंड, चाशनी ये जो हमारी अच्छे से बन गई है, चेक कर लेते हम एक बार। एक कटोरी में थोड़ी सी डालेंगे हम, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और इसको हम चेक कर लेते हैं इस तरह से अंगुली में लेके, अंगुली और अंगूठे के बीच में डाल के इस तरह से। देखिए, ये तार बन रहा है, एक तार की चाशनी चाहिए हमें।
बस इसी तरह की चाहिए हमें। तो अभी गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। अभी हमने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें डाल देते हैं देसी घी। घी को थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें डाल देते हैं अब बेसन। और अभी इसको मीडियम आंच पे हम अच्छे से सेकेंगे। बहुत अच्छे से सेकना हमें बेसन, और आंच हमें मीडियम ही रखनी है, हाई फ्लेम नहीं करना बिल्कुल भी, वरना बेसन है जो हमारा जल जाएगा। इसी तरह चलाते हुए हम मीडियम आंच पे अच्छे से सेक लेंगे बेसन को। तो देखिए फ्रेंड्स बेसन को हमने अच्छे से घी के साथ सेक लिया है। कम से कम 15 से 16 मिनट लगे हमें इसे सेकने पे, मीडियम आंच पे सेका हमने। अभी अच्छे से सीख गए हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया है देख सकते हैं आप, और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से। अभी इसमें ये हम चाशनी डाल देते हैं। चाशनी को फिर से हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया था, ये भी इसमें डाल देंगे हम। इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। चाशनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने इसमें, और 2 मिनट के लिए और चला लिया चाशनी डालने के बाद। तो अच्छे से बन गई ये चक्की। अब गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे हम। इसके लिए हमने एक प्लेट ले ली है, उसमें थोड़ा सा घी लगा देते हैं ताकि चक्की है जो हमारी चिपके नहीं। इस तरह से अच्छे से इसमें हमने अच्छे से घी लगा लिया है। अभी ये सारा मिश्रण हम इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से जमा लेंगे इसमें। अभी हम इसको अच्छे से जमा लेंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स चिक्की को हमने अच्छे से जमा लिया है इसको एक प्लेट में। अभी हम इस पे थोड़े से ड्राई फ्रूट लगा देते हैं, थोड़े से बादाम और पिस्ता लिए हमने, अच्छे से लगा देंगे इसके ऊपर ऐसे फैलाते हुए। और इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे चम्मच से दबा देंगे ताकि ये निकले नहीं, अच्छे से जम जाए इसके साथ ये भी इस तरह से। बस हम अभी इसी तरह से इसको कम से कम आधे एक घंटे के लिए छोड़ देंगे, इसको ठंडा होने देंगे, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड चक्की ये जो हमारी अच्छे से जम गई है और ये ठंडी भी हो चुकी है। हमने हल्के हाथों से ऐसे कट लगा दिया है इसमें चक्की के आकार में, इस तरह से हल्के हाथों से अच्छे से कट लगा लिए हमने। फिर से एक बार ऐसे लगा लेते हम ताकि ये अच्छे से निकल जाए इस तरह से। तो अभी हम इसको एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। राजस्थानी बेसन की चक्की बनके एकदम तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को दीपावली के शुभ अवसर पे। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छी लगती है ये रेसिपी खाने में भी, मीठे में आप बना सकते हैं इसको। और फ्रेंड्स यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें इसे। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।